मातंग व अन्य वंचित जाति को आरक्षण देकर सरकार की सभी योजनाओं का लाभ दिया जाना चाहिए, इस प्रमुख मांग के साथ अन्य न्याय मांगों को लेकर मातंग एकीकरण समिति का राज्यव्यापी धरना आंदोलन विधान भवन पर किया गया। अपनी न्याय मांगे लेकर विधान भवन पर पहुंचे आंदोलनकारियों ने इस वक्त जोरदार नारेबाजी की। पहली मांगते है की जो शेड्यूल कास्ट के लिए घटने के अनुसार 13% का जो आरक्षण दिया जाता है वो सिर्फ एक ही समाज को मिलता है, बाकी 59 जातियाँ जो है 58 जातियाँ जो है उनको मिलता नहीं। तो हमारा ऐसा कहना है कि उसमें ABCD लगा के 59 जातियों का वर्गीकरण ABCD के अंदर 4 वर्ग में वो बांटी जाए, ताकि समझो अगर 4 जगह निकलती है तो उसमें से एक जगह उनको जाना चाहिए, दूसरी जगह दूसरे को जाना चाहिए, तीसरी जगह तीसरे को और चौथी जगह चौथी को, यानी समान न्याय मिलना चाहिए सबको। एक जात उसके क्यों फ़ायदा लेंगे, सभी जाति को उसका फ़ायदा मिलने। इसलिए हमारा कम से कम 25 साल से हमारा ये आंदोलन शुरू है, इसके बारे में बहुत कोर्ट कचहरी और बहुत ये भी सुप्रीम कोर्ट तक ये केस गया, लेकिन अभी तक उसका कोई भी फाइनल नहीं हो रहा है। ABCD की जो मांग पूरी होती नहीं है, महामंडल को पैसे आते नहीं है, और प्रशिक्षण का जो यह है महामंडल की तरफ से जब तक ये होता पूरा होता नहीं है, और बांटी गई पूरी चौकसी जब तक होती नहीं है तब तक हमारा यह आंदोलन चालू रहेगा। अभी तो हम शांततापूर्वक कर रहे हैं, इसके बाद में ये आंदोलन उग्र स्वरूप धारण करेंगे, इसके लिए सरकार जिम्मेदार रहेगी। महाराष्ट्र TV 24 के लिए पारस बैसवारे, नागपुर।